हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। नेटफ्लिक्स में आई पॉलिश मूवी द हेटर इस साल की वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज मूवी रिलीजेस में से एक है। इस मूवी को आईएमडीबी में 7.1 आउट ऑफ 10 और रॉटन टमेटोज में 78% का स्कोर मिला है। ऑनलाइन फेक न्यूज एंड डार्क वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया एब्यूज की खबरें अक्सर न्यूज में बनी रहती है, लेकिन अगर आपको इन सब के पीछे की कहानी जाननी है कि किस तरह ऑनलाइन टेक्निक्स और सोशल मीडिया का गलत यूज होता है और इसका असल जिंदगी में क्या असर होता है, तो ये मूवी बिल्कुल मस्ट वॉच है। एक एज ऑफ अ सीट थ्रिलर, ये मूवी आपको डिजिटल वर्ल्ड और सोशल मीडिया के बारे में सोचने को मजबूर कर देगी। मूवी की शुरुआत होती है लीड एक्टर टॉमस, जो यूनिवर्सिटी में लॉ की स्टडी कर रहा था। हम देखते हैं कि वो यूनिवर्सिटी में अपने प्रोफेसर्स के साथ एक मीटिंग में था और यहाँ उसे पता चलता है कि उसे यूनिवर्सिटी से निकाला जा रहा है क्योंकि उसने अपनी थीसिस में प्लेजियरिज्म यानी कि चीटिंग की है। उसके काफी समझाने के बाद भी प्रोफेसर्स इस डिसीजन को नहीं बदलते और फिर टॉमस निराश होकर वहाँ से चला जाता है। फिर उसी शाम वो एक फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। ये क्रासू की फैमिली है जो काफी वेल्दी है। टॉमस एक्चुअली में एक पुअर फैमिली से था और उसके पेरेंट्स की भी डेथ हो चुकी थी। फैमिली फ्रेंडशिप के चलते अंकल रॉबर्ट और आंट जोफिया ही टॉमस की स्कॉलरशिप का खर्चा मैनेज करते थे। उनकी दो डॉटर्स भी थी, जिनमें से एक का नाम गाबी था, जिसे टॉमस लाइक करता था। टॉमस ने क्रासू की फैमिली को यूनिवर्सिटी से निकाले जाने वाली बात नहीं बताई होती और वो झूठ बोलते हुए कहता है कि उसकी स्टडीज काफी अच्छी चल रही है। वापस अपने हॉस्टल जाने से पहले टॉमस अपना फोन चुपके से वहीं ऑन करके छोड़ देता है। फिर वो उन सारी बातों को सुन लेता है जिसमें अंकल और आंट उसका मजाक उड़ा रहे थे। इस तरह टॉमस समझ जाता है कि क्रासू की फैमिली का उसकी तरफ प्यार पूरी तरह सच नहीं है। अगले दिन टॉमस अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए गाबी को इम्प्रेस करने के लिए बताता है कि उसको एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई है, पर सच्चाई तो ये थी कि टॉमस एक बहुत ही बोरिंग सी जॉब करता था और उसे कई महीनों से सैलरी भी नहीं मिली थी। फिर उसी रात अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ टॉमस एक नाइट क्लब जाता है जहाँ गाबी पहले से होती है। गाबी काफी ड्रंक थी और वो टॉमस से मिलके खुश हो जाती है और उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहती है। इन सबसे टॉमस की गाबी के लिए फीलिंग्स और बढ़ जाती है। फिर ब्रेक टाइम में टॉमस एक मिडल एज वुमेन को फोन में एक जॉब के बारे में बात करते सुन लेता है। उस वुमेन का नाम बीटा था और टॉमस कहता है कि वो उस जॉब को काफी कम टाइम में कर सकता है जिसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे होंगे। बीटा टॉमस को अगले दिन अपने ऑफिस में बुलाती है। घर आकर टॉमस उस जॉब की डिटेल्स देखता है जिसमें एक टास्क को कम्प्लीट करना था। टास्क ये था कि किसी भी तरह टॉमस को एक फीमेल सेलिब्रिटी की सोशल मीडिया फॉलोइंग को कम करना था, जिससे उन फिटनेस प्रोडक्ट्स की भी वैल्यू कम हो जाएगी जिनका प्रमोशन वो फीमेल सेलिब्रिटी कर रही थी। अगले दिन टॉमस बीटा के ऑफिस आकर अपनी स्ट्रेटेजी बताता है कि वो बहुत सारे फेक अकाउंट्स बनाकर उस फीमेल सेलिब्रिटी के अगेंस्ट एक ऑनलाइन मूवमेंट चला सकता है। बीटा टॉमस की बातों को सुनकर उसे एज एन इंटर्न हायर कर लेती है। इन सब से हम व्यूवर्स समझ पाते हैं कि बीटा एक तरह की पब्लिक रिलेशंस कंपनी चला रही थी जो अपने क्लाइंट्स के लिए किसी भी सेलिब्रिटी की ऑनलाइन इन्फ्लुएंस को टारगेट करना और किसी के भी अगेंस्ट प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाना था। जॉब करते वक्त टॉमस कामिल नाम के एक एम्प्लॉय से मिलता है जो टॉमस को पावेल रुडनिकी नाम के एक पॉलिटिशियन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कहता है। टॉमस को पता चलता है कि पावेल एक लिबरल आइडियोलॉजी रखने वाला पॉलिटिशियन है जो कि पोलैंड के अपकमिंग इलेक्शंस में वॉर्सो सीट से अपना नॉमिनेशन करेगा। पावेल पर होमोसेक्सुअल होने की वजह से कई एलिगेशंस भी लगे थे। रिसर्च के दौरान टॉमस की नजर एक पिक्चर पर पड़ती है जिसमें पावेल अंकल रॉबर्ट और आंट जोफिया के साथ था और उसे पता चलता है कि क्रासू की फैमिली पावेल की पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिव सपोर्टर्स हैं। इसके बाद गाबी की सिस्टर के बर्थडे पार्टी पर टॉमस और गाबी अकेले में जाकर ड्रग्स कंज्यूम करते हैं और फिर ट्रूथ और डेयर के गेम में टॉमस गाबी को बता देता है कि उसे प्लेजरिज्म की वजह से यूनिवर्सिटी से निकाल दिया है। गाबी प्रॉमिस करती है कि इस बात को वो किसी को भी नहीं बताएगी। अपने ऑफिस में बीटा टॉमस के रिजल्ट से बहुत खुश हो जाती है, जिससे टॉमस को सैलरी बोनस के साथ फुल टाइम एम्प्लॉय का भी रोल मिल जाता है।
जब टॉमस के काफ़ी मैसेजेस के बाद भी गाबी का रिप्लाई नहीं आता तो टॉमस अंकल और ऑन्ट से मिलने एक इवेंट में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि गाबी ने अपने पेरेंट्स को टॉमस के यूनिवर्सिटी से एक्सपेल्ड होने की सच्चाई बता दी थी। उसी शाम टॉमस गाबी के रूम में आकर स्कॉलरशिप के पैसे और एक नोट रख देता है और साथ ही में एक डिवाइस भी छुपा देता है, जिसकी हेल्प से वो क्रासू की फैमिली की सारी बातें सुन लेता है, जिसमें वो टॉमस को बेवकूफ और क्रीप बताते हैं और गाबी को टॉमस से कभी भी ना मिलने के लिए समझाते हैं। इन सब बातों से टॉमस काफी इमोशनली हर्ट हो गया था और वो डिसाइड करता है कि इसका बदला वो पावल के जरिए लेगा। यहाँ मैं व्यूवर्स को बताना चाहूंगा कि मूवी में ये दिखाया जाता है कि पोलैंड के कई जगह एक तरह का एक्सट्रीम नेशनलिस्ट मूवमेंट भी चल रहा था और कहानी में हम आगे देखेंगे कि टॉमस किस तरह इस मूवमेंट को अपने फायदे के लिए यूज करता है। टॉमस अब कई फेक अकाउंट्स बनाकर पावल के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा स्प्रेड करना शुरू कर देता है। वो अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलकर उनके साथ एक गन रेंज सेंटर जाकर गन चलाना सीखता है। फिर शाम को जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक्स कर रहा था तो तभी उस जगह गुजेक नाम का एक आदमी आता है जो अपने कुछ वायरल वीडियोस के लिए पॉपुलर था। इंटरनेट में सर्च करने पर टॉमस देखता है कि गुजेक अपनी वीडियो में एक्सट्रीम नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी की बातें कर रहा था और उसका कहना था कि पोलैंड को दूसरी गलत आइडियोलॉजी के लोगों से बचाने के लिए अब वायलेंस का रास्ता अपनाना पड़ेगा। वीडियोस बनाने के साथ गुजेक एक ऑनलाइन फैंटेसी गेम भी खेलता था, जिसके जरिए टॉमस ने गुजेक से कॉन्टैक्ट करना शुरू किया। फिर अगले दिन टॉमस ऑन्ट सोफिया से मिलकर माफी मांगता है, साथ ही वो कहता है कि वो उनके म्यूजियम में एज अ वॉलंटियर काम करना चाहता है। इस पर ऑन्ट सोफिया कहती है कि वो टॉमस को माफ कर देगी पर वो गाबी से नहीं मिल सकता। उसी शाम टॉमस की मुलाकात पावेल से होती है और पावेल टॉमस को अपने पॉलिटिकल कैंपेन में काम करने का ऑफर करता है। नेक्स्ट डे टॉमस पावेल से मिलकर उसके जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर डिनर करते वक्त टॉमस पावल की ड्रिंक में ड्रग्स मिला देता है और उसके बाद वो पावल को एक गे क्लब ले जाता है। उसी क्लब में गुजेक भी था, जिसने पावल की वीडियो रिकॉर्ड करके उसे ऑनलाइन अपलोड कर दी थी। एक्चुअली में ये पूरा प्लान टॉमस का था और उसी ने गुजेक को उस क्लब में आने को कहा था। उस वीडियो के वायरल होने के बाद पावल की इमेज काफी खराब हो चुकी थी, पर वहीं टॉमस पावल को समझाता है कि उसे सब कुछ भूलकर आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि पोलैंड को उसके जैसे अच्छे पॉलिटिशियन की जरूरत है। दोस्तों, यहाँ भी हमें टॉमस की इन बातों से पता चल गया था कि उसके इरादे ठीक नहीं थे। उसी शाम ऑन्ट जोफिया टॉमस को एक म्यूजिक इवेंट में इनवाइट करती है, जहां गाबी भी आई थी, पर तभी उसे पता चलता है कि गाबी की एंगेजमेंट होने वाली है, जिसके बाद वो न्यूयॉर्क चली जाएगी हमेशा के लिए। इस बात से टॉमस का क्रासू की फैमिली के अगेंस्ट नफरत काफी बढ़ चुकी थी और वो पावेल के पॉलिटिकल कैंपेन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने में लग जाता है। गुजेक से गेम के थ्रू मिलने पर टॉमस कहता है कि पावेल की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और इसी तरह वो इलेक्शन भी जीत जाएगा और अपनी लिबरल आइडियोलॉजी को और ज्यादा फैलाएगा। अब टाइम आ गया था कि पावेल जैसे दूसरे आइडियोलॉजी के लोगों को रोकने के लिए वायलेंस का सहारा लेना पड़ेगा, पर गुजेक टॉमस की इन डिमांड्स के बदले एक बहुत बड़ा अमाउंट और गन्स मांगता है। पैसे अरेंज करने के लिए टॉमस बीटा के साथ डिनर करके उसके घर में जाकर उसके साथ इंटीमेट होता है, पर पैसे मांगने पर बीटा टॉमस को पैसे देकर उसे जॉब से निकाल देती है। फिर टॉमस उसी गन रेंज सेंटर जाकर वहां से किसी तरह गन चुरा लेता है। उन गन्स और पैसों को टॉमस एक बैग में डालकर एक रिमोट एरिया में छुपा देता है, जिसकी लोकेशन वो गुजेक को बता देता है। फिर आखिरी बार टॉमस गुजेक को गेम के थ्रू कॉन्टैक्ट करता है और उसे एक इवेंट के बारे में बताता है, जहां पावेल आने वाला था। इवेंट में पावेल टॉमस को सब कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए शुक्रिया कहता है। फिर तभी गाबी को वहां देख टॉमस शॉक रह जाता है। गाबी टॉमस से अपने बिहेवियर के लिए अपोलोजाइज करती है और कहती है कि वो वापस उससे मिलने आई थी, लेकिन तभी वहां अचानक से गनफायर की आवाज आती है और हम देखते हैं कि एक मास्क पहना शख्स सबको शूट कर रहा था। जब वो शख्स अपना मास्क हटाता है तो वो और कोई नहीं बल्कि गुजेक ही होता है। अपनी गन रिलोड करते वक्त टॉमस गुजेक पर अटैक करता है, जिसके रिएक्शन में गुजेक उसे नाइफ से घायल कर देता है, लेकिन फिर सिक्योरिटी सही वक्त में आकर गुजेक को अरेस्ट कर लेती है। उस शूटिंग ट्रेजेडी में कई लोगों की जान चली गई थी, जिसमें पावेल के साथ गाबी की सिस्टर भी शामिल थी।
इसके बाद हॉस्पिटल में टॉमस से मिलने एंटी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑफिसर्स आए होते हैं और वो टॉमस से कुछ सवाल पूछते हैं, पर टॉमस काफी इनोसेंट बनकर कहता है कि उनका इस तरह उस पर शक करना बिल्कुल बकवास और झूठ है। टॉमस के अगेंस्ट कोई एविडेंस न मिलने पर उस पर कोई केस नहीं लगता। एट द एंड ऑफ द मूवी टॉमस क्रासू की फैमिली के साथ होता है और इस सीन से हमें पता चल जाता है कि उन्होंने अब टॉमस को फिर से अपना लिया है। तो दोस्तों, ये थी द हेटर की कहानी, जो एंटरटेनिंग के साथ एक डार्क थ्रिलर भी है और मूवी लवर्स को इसे मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।